बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लेसन्स ऑफ लाइफ, आपके सवाल हमारे जवाब, उसके साथ मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर कौसर है, डेंटिस्ट जो थी आपके पास मैंने सारे कोर्सेज किए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी वीडियोस में देखती रहती हूँ, इतनी सारी चीज़ें लोगों में बांट रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम और दुआओं के लिए शुक्रिया, आमीन। इस साल के ऑनलाइन वेबिनार जो मैंने आपसे किए हैं, रेकी, मनी माइंड, 41, 42, सिल्वा का भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन वेबिनार किया है, मैं तो कहता हूँ ये सभी को करने चाहिए। रेकी देते हुए अगर किसी में कोई नेगेटिव एनर्जी हो, मुझे कोई प्रिकॉशंस लेने चाहिए रेकी देने से पहले? उसके दो तरीके, जब आप किसी को रेकी दे रहे होंगे, सर आई नीड टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चन बट आई विल सेंड देम वन बाय वन। शुक्रिया जी। हाउ डू प्लैनेट्स अलाइन ऑन आवर बर्थ इम्पैक्ट ऑन आवर इनेट नेचर? मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करता, पर्सपेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग के हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए अमल, पहली तो बात यह कि इंसान इस खित्ते में मौजूद है, इस दुनिया में मौजूद है, उसका इस कायनात के साथ एक अजीब गरीब ताल्लुक है। सैयद मुनीर साहब लिखते हैं, लेट मी शेयर सम थिंग्स विथ यू। यस्टरडे आई सॉ वन आवर बेस्ड लेक्चर ऑन शोशी कुमार, उसने गूगल मैनेजमेंट के स्टाफ को लेक्चर दिया था, मुझे आप याद आ गए, उससे मच मच बेटर है जो वो बता रहा था। आपके लेक्चर्स में डेप्थ है, नॉलेज है, विजडम है, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली जो लोग सुनते हैं उसको, बेस्ट वो होता है जिसमें कोई नुक्स ना हो। एक और चीज़ सैयद मुनीर साहब के, 48 साल हो गए, अल्लाह खैर करे, When I meditate after my walks, I remember what you taught me, breathe in slowly, thinking. ये बड़ा अजीब गरीब वाकया हुआ, 48 साल पहले की बात है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लेसन्स ऑफ लाइफ, आपके सवाल हमारे जवाब, उसके साथ मैं हाजिर हूँ। दो हम ऑडियो सवाल हैं वो सुनाते हैं, जवाब देने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद फिर जो रिटर्न सवाल आए उसके जवाब दूंगा जी। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप? बहुत सारी दुआएं सबसे पहले आपको। मेरा नाम डॉक्टर कौसर है, डेंटिस्ट जो थी आपके पास मैंने सारे कोर्सेज किए थे। मैं लंदन शिफ्ट हो गई हूँ, आपको बताया था, तो माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी वीडियोस में देखती रहती हूँ, सब चीज़ें देखती रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देख कर बड़ा सीखने का मौका मिलता है, मेडिटेशन में शामिल हो जाती हूँ। बस अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे, आपके लिए बहुत सारी दुआएँ, और देख कर बहुत खुशी होती है कि आप इतनी सारी चीज़ें लोगों में बांट रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम और दुआओं के लिए शुक्रिया, आमीन। बस दुआएं करते रहिए, हमारी कोशिश होती कि जो कुछ हम दे सकें, कुछ फी सबीलिल्लाह होता है, कुछ के हम चार्जेस लेते हैं, ज़रूरी है, ज़ार इदारा चलाना है या लोग हैं इनको तनख्वाही देनी, इनके घर भी चलते हैं, राइट। तो दुनिया में जो हो सकता है हमसे वो फ्री ऑफ चार्ज है, और जो नहीं हो सकता फ्री ऑफ चार्ज, उसके चार्ज लगता है। तो नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, इस साल के ऑनलाइन वेबिनार जो मैंने आपसे किए हैं, रेकी, मनी माइंड, 41, 42, सिल्वा का भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन वेबिनार किया है सर, ये सारे कोर्सेज करने के बाद जो है बहुत ज़बरदस्त चेंज आया है लाइफ में, और बहुत ही ज़बरदस्त कोर्सेज हैं ये, मैं तो कहता हूँ ये सभी को करने चाहिए। और सर जब से रेकी का मैंने किया है ऑनलाइन वेबिनार, तो मैंने उसी वक्त सेशन में ही ये नियत कर ली थी कि इंशाल्लाह जब भी मैं रेकी दूंगा किसी को, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह ताला की खातिर दूंगा, इसके कोई चार्ज नहीं लूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने काफ़ी रेकी दी है, डेली बेसिस पे भी देता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा तो सर मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 रेकी सेशन किए, तो मेरे सर का दर्द ही ठीक हो गया, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था कि अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई है, इंशाल्लाह आगे भी नहीं आएगी, कि रेकी देते हुए अगर किसी में कोई नेगेटिव एनर्जी हो, तो मुझे कोई प्रिकॉशंस लेने चाहिए रेकी देने से पहले? तो ये थोड़ा आप मुझे इसमें गाइड कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह खैर। अल्लाह ताला सर आपको सेहत तंदुरुस्त रखे, आपको बरकत दे, आपकी टीम को भी बहुत बरकत दे, आपके दस्तरखान वसी रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्त रखे, और आपको दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में खैर आफियत अता फरमाए, सुकून वाली ज़िंदगी दे आपको सर, आमीन रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया जी आपकी दुआओं का। रेकी में बाज़ मरतबा ये हो सकता है कि अगर किसी शख्स में कुछ असरात हों, कुछ नेगेटिविटी हो, तो वो आप में आ सकती है। उसके दो तरीके, जब आप किसी को रेकी दे रहे होंगे और अगर आपको जले हुए गोश्त की बू आए या गंदी बू आए या आपको घबराहट हो, पसीना आने लगे, दिल की धड़कन तेज़ हो जाए या बेचैनी महसूस हो, तो पहले तो बात है उस वक्त रेकी बंद कर देनी है फौरन। उसके बाद पहली फुर्सत में आपने गुसलखाने में जाकर एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा नमक डालकर, नमक वाला पानी अपने ऊपर से बहा कर
फिर साफ पानी से अपने बदन को धो देना है। ये गुसल है, सॉल्ट वाटर से या सलाइन वाटर से गुसल है, बड़ा लाजिम है। उसके बाद आप उस शख्स को उस तरह रेकी नहीं देंगे, फिर आप उसको मोमबत्तियाँ करके देंगे या तेल करके देंगे कि वो तेल का दिया जलाए, फिर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये सिखाया गया आपको मोमबत्तियों वगैरह की टेक्निक रेकी में सिखाई गई आपको, तो वो आप उस तरह करेंगे, डायरेक्ट नहीं देंगे। देखिए इंसान इंसान से जब मिलता है तभी भी एनर्जी पास होती है, मगर रेकी में चूंकि बिल्कुल आप अपने अंदर से एनर्जी उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एनर्जी वापस रिबाउंड करती है, और वो अगर नेगेटिव है तो आप में आ सकती है। मगर इसमें घबराने की बात नहीं है, बस ये अमल कीजिएगा तो इंशाल्लाह आप क्लीन हो जाएंगे, एनर्जी क्लीन हो जाएगी इससे। चलिए जी नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सर आई नीड टू, ये कोई अमल साहब है, सर आई नीड टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चन बट आई विल सेंड देम वन बाय वन। शुक्रिया जी, एक एक करके क्वेश्चन भेजें। हाउ डू प्लैनेट्स अलाइन ऑन आवर बर्थ इम्पैक्ट ऑन आर इनेट नेचर। मैं 2 फरवरी को पैदा हुआ हूँ, मेरे में ज़्यादा जो मेजॉरिटी एक्वेरियस की साइन है, मुझे इसकी कोई ख़ास वजह बताइए। मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करता, मगर ह्यूमन नेचर स्टडी पर्सपेक्टिव और अंडरस्टैंडिंग के हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए अमल, पहली तो बात यह कि इंसान इस खित्ते में मौजूद है, इस दुनिया में मौजूद है, उसका इस कायनात के साथ एक अजीब गरीब ताल्लुक है, और ये ताल्लुक अनसीन है, अनदेखा है, आपको नज़र नहीं आता। जिस तरह ये कहा जाता है, अब तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आपके घर के ऊपर से बड़ी हाई किस्म की हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल वायर गुजरती हो और आप उस नीचे रहते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो इलेक्ट्रिकल वायर की जो फील्ड है वो आपके घर में आती है, आपके जिस्म में आती है, और आप बीमार हो सकते हैं, आपके सेल्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है, आपके ऑर्गन्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसी तरह जो प्लैनेट्स की मूवमेंट है वो भी आप पर असरअंदाज होती है। अब वेदर यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी और यू डोंट, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और उसमें साइंस हैं, निशानियां हैं। इसको हम ये नहीं कह सकते कि 100% ट्रू है, गलत भी हो सकती है। असल जो गैब है कि क्या होने वाला है, और वो 100% होगा वो सिर्फ ज़ाते बारी ताला को मालूम है। इंसान प्रिडिक्ट कर सकता है, जैसे आप प्रिडिक्ट करते हैं कि जी बारिश होगी, होती है नहीं होती, कम होती है ज़्यादा होती है, ये प्रिडिक्शन साइंस के ऊपर बेस करती है, SIGNS साइंस में बेस करती है, और ये साइंस मिलता है साइंस से, साइंस बताती है कि साइंस क्या होंगी। तो अब ये कहा जाता है कि अगर जितने भी हॉरोस्कोप के अंदर साइंस हैं, जैसे मैं कैंसेरियन हूँ, पॉसिबल है जिस वक्त मैं पैदा हुआ हूँ उस वक्त वो जो प्लैनेट है वो प्रीडोमिनेंट हो, तो मेरी पैदाइश के वक्त उसके असरात मुझ पर आए हों। लेकिन फिर ये पैदाइश के वक्त नहीं हो सकता, ये कंसेप्शन के वक्त हो सकता है कि जिस वक्त मेरा बीज डाला गया मेरी वालदा के रहम में, उस वक्त कौन सा प्लैनेट था, और उसके बाद मुसलसल 9 महीने जब मैं अपनी वालदा के रहम में रहा हूँ, वो कौन सा प्लैनेट था जिसने मुतवातिर मुझे इन्फ्लुएंस किया। तो वो जब इन्फ्लुएंस करता है तो उस हवाले से हमारे ब्रेन में और हमारे जिस्म के जितने सेल्स हैं उसके अंदर वो ट्रेड्स आना शुरू होती है। अच्छा कैसे आती है? हर प्लैनेट की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आज साइंस हमें कहती है कि जी फला प्लैनेट है, उसके इतने मून हैं, उसके गिर्द एक सर्कल एक दायरा है, शदीद किस्म की गैसेस का, तो अब वो जो कैरेक्टरिस्टिक है उस प्लैनेट की वो हम पर असर होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर प्लैनेट की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, तो जब हम पैदा होते हैं या जब हम कंसीव होते हैं तो वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर आती है, क्योंकि हम दुनिया में अकेले नहीं हैं, ये कायनात में कई आलमीन, एक कहा जाता है आलम दीन कहते हैं कि 10,000 आलमीन मौजूद हैं, तो ये तमाम चीज़ें वाइब्रेशन आप पर असर करती है। तो आप जब पैदा होते हैं तो आप कहते हैं जी फला दिन पैदा हुआ तो मैं एक्वेरियस हूँ, मैं एरीज हूँ, मैं कैंसर हूँ, मैं स्कॉर्पियन हूँ, उस हवाले से आपके अंदर वो ट्रेड्स पाई जाती है, मगर वो 100% नहीं होती, ये मुमकिन नहीं है। इंसान अपने आप को चेंज कर सकता है, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उसके लिए नुकसानदेह दूसरों के लिए नुकसानदेह तो वो चेंज कर सकता है। याद रहे ये इख्तियार अल्लाह ने इंसान को दिया है कि वो जब चाहे अपने अमल से अपनी सोच से अपने इरादों को और अपने अमल को चेंज कर सकता है। यानी एक अमल आप मुतवातिर कर रहे हैं इरादा कि अब ये नहीं करना, दूसरा अमल शुरू करना, आहिस्ता आहिस्ता अमल चेंज हो गया, ज़िंदगी चेंज होगी, और ज़िंदगी के अंदर जिस मकसद के लिए आप अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं वो मकसद चेंज हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल अबू धाबी से है जी, सैयद मुनीर साहब लिखते हैं, लेट मी शेयर सम थिंग्स विथ यू, यस्टरडे आई सॉ वन आवर बेस्ड लेक्चर ऑन शोशी कुमार, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसने गूगल मैनेजमेंट के स्टाफ को लेक्चर दिया था, मुझे आप याद आ गए, आपका फोर्थ डायमेंशन हिप्नोसिस उससे मच मच बेटर है जो वो बता रहा था, आपके लेक्चर्स में डेप्थ है, नॉलेज है, विजडम है, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पेशली जो लोग सुनते हैं उसको, बहुत शुक्रिया। सैयद मुनीर साहब ने सिर्फ हमें यह कहा है कि ये अबू धाबी में होते हैं, इन्होंने एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किसी ने लेक्चर दिया था, उसमें ये हिप्नोसिस वगैरह की बातें होंगी आई एम श्योर, तो उन्होंने कहा कि वो जो हम जो करते हैं, अल्लाह के शुक्र है जी मेरे से भी अच्छे लोग हैं और कुछ लोग हैं जो मेरे से अच्छे नहीं हैं, तो ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर इंसान होता है, बेस्ट कोई नहीं होता, याद रखिए, बेस्ट वो होता है जिसमें कोई नुक्स ना हो किसी किस्म का भी, तो वो ज़ाहिर इंसान नहीं हो सकता, इंसान बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। मगर बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मुनीर साहब, इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी आपसे। एक और चीज़ सैयद मुनीर साहब के, हर शख्स जो इल्म देता है दूसरों को देता है उसका अपना एक अंदाज होता है, अंदाज फिक्र होती है, अंदाज कलाम होता है, अंदाज सोच होती है, तो मैं जब कोई लेक्चर दे रहा होता हूँ या कोई इल्म दे रहा होता हूँ तो मेरे मद्देनज़र वो लोग हैं जो मेरे सामने बैठे हैं, उनकी ज़हनी सतह क्या है, इनमें से बात बहुत गहराई में सोचते हैं, बास की सोच बड़ी सतही होती है, तो इस तरह मेरा लेक्चर भी वेवर करता है डिपेंडिंग अपॉन कौन सुन रहा है, तो हर एक अपना अपना है, बट एवरीबडी इज़ गुड इन देयर ओन वे। नेक्स्ट जी मोई साहब, वालेकुम अस्सलाम, 48 साल हो गए ओ अल्लाह खैर करे, 48 ईयर्स, स्टिल व्हेन आई मेडिटेट आफ्टर माई वॉक्स आई रिमेंबर व्हाट यू टॉट मी, ब्रीद इन स्लोली थिंकिंग इफ ड्रॉइंग इन द ब्रेथ थ्रू द लेंथ ऑफ द स्पाइन एंड होल्ड इट इन योर स्टमक एंड ब्रीथ आउट स्लोली। अच्छा मैं समझ गया कौन, एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच ऑफ द साउंड अराउंड। ये बड़ा अजीब गरीब वाक्य हुआ, 48 साल पहले की बात है ये, अब तो खैर माशाल्लाह इनकी उम्र भी बहुत हो गई थी, लुवई नाम है इनका, और लुवई साहब जो हैं वो मेरे कज़न, मेरे ताया के बेटे, ये लोग फैमिली मेरे ख़्याल में जॉर्डन से कहीं जा रही थी, हाईवे पे थे, तीन कपल से, मेरा कज़न था, उसकी वाइफ लुवई, उसकी वाइफ और एक और साहब थे उनकी वाइफ, ये सफ़र कर रहे थे, तो बड़ी तेज़ गाड़ी चल रही थी, जॉर्डन का हाईवे था, मुझे इतना याद है, कई साल पहले की बात है, 48 साल पहले लुवई साहब बच्चे थे बिल्कुल, मेरे ख्याल में उनकी उम्र के 14-15 साल होगी, मैंने ये चीज़ उनको सिखाई थी कि सांस लेते वक्त अपनी रीढ़ की हड्डी पर तवज्जो दो और जो आवाज़ आए उस पर तवज्जो दो, अतराफ में जो आवाज़ है, तो ये रिमाइंड करा रहे, तो फिर ये हुआ कि वहाँ बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, जो ड्राइवर था उसको एक नींद का झोंका आया, गाड़ी कोई 150-200 मील फी घंटे की रफ्तार से चल रही थी, रात का वक्त था, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे ताया का बेटा हमज़ा नाम था, उसकी वाइफ इंस्टेंट डेथ हो गई, लुवई और उनकी वाइफ जो है वो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हुए, और उनका एक और कपल था उसकी भी शायद डेथ हो गई, रोड पे पड़े थे ये लोग, लुवई और उसकी वाइफ, और क्या रब ने जब ज़िंदगी बचानी होती है, देनी होती है, तो वहाँ से कोई गाड़ी गुजरी, उठाया, बहुत लंबे अरसे तक, तवील अरसे तक ये लोग हॉस्पिटल में रहे, लुवई और उसकी वाइफ, किस तरह इसने रिकवर किया अल्हम्दुलिल्लाह, आज माशाल्लाह एक बिजनेसमैन है, बड़ी अच्छी पोजीशन पे, दीनदार है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, ज़िंदगी दे, मगर बहुत पुरानी बात उसने मुझे याद दिलाई, तो आप सोचें कि 48 साल पहले मैं सिखाया करता था तो आज मेरी उम्र कितनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू दोस्तों, कभी कभी ऐसी पुरानी बिसरी बातें याद आती है तो मैं पीछे की तरफ चला जाता हूँ, मुझे याद है वो मोहम्मद अली सोसाइटी थी, एक कराची सदर में एक जिमखाना था, वहाँ मैं योगा की क्लासेस और कराटे की, ताइक्वांडो भी, उसका भी ब्लैक बेल्ट हूँ, उसकी क्लासेस भी लिया करता था, और सफ़र इतना अजीब गरीब है, कई दफ़ा मुझे एक 2-3 लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा जी आपने बायोग्राफी लिखनी है अपनी, एक साहब आए मेरे पास, उन्होंने कहा हम पूरी आपकी बायोग्राफी वीडियो पे लेते हैं, यानी पूरी डॉक्यूमेंट्री आपकी लाइफ पे बनाते हैं कि कहाँ कहाँ सफ़र किया, किस किस तरह, किन मराइल से गुजरे, क्या मुश्किलात पेश आई। मैंने कहा जी बंदा यहाँ से चला जाए, बस जो इल्म दिया है लोगों के दिल में रहे, दुआएं देते रहे, इतना ही काफ़ी है, मैं दुनिया से जाऊँ मेरे बारे में किताब या वीडियो कोई ज़रूरत नहीं इसकी। तो इंशाल्लाह अगले लेसन्स ऑफ लाइफ में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।